आगे गाय को लेकर जहां देश भर में कोहराम मचा हुआ है, बीजेपी के शासन वाले राज्यों में ही गायों की दुर्दशा हो रही। अभी राजस्थान के जयपुर में हिंगोनिया गौशाला की हालत दुरुस्त भी नहीं हुई कि अब हरियाणा के यमुनानगर में भी गायों की दुर्दशा की तस्वीर सामने आई है। यमुनानगर में सरकार के अनुदान पर चलने वाली गौशाला में गायों को रखने की इजाजत नहीं है, लेकिन न सिर्फ इस गौशाला में गायों को रखा गया बल्कि इसमें शराबियों का भी अड्डा बन गया है। आलम यह है कि शराबी इस गौशाला का इस्तेमाल शराब पीने के लिए कर रहे हैं। शराब की ये बोतलें इस बात की तस्दीक दे रही है कि यही नहीं, गौशाला में गंदगी का भी अंबार है। बारिश की वजह से पूरा गौशाला दलदल में तब्दील हो चुका है। तस्वीर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। 1942 में लाहौर रजिस्ट्रेशन हुई थी इसकी, ये सब यहाँ के जगाधरी के दानी लोगों से, कोई इसमें किसी की हेल्प नहीं, सब यहाँ के लोकल शहर के दानी लोगों ने जमीन दान दी, बिल्डिंग बनवाई, जो सब कुछ किया। आज तो अबाउट 200 यहाँ पे है जी, अबाउट 600 अम्बाला रोड पे है हमारी गौशाला, वहाँ पे भी हमारी 14 एकड़ जमीन है, वो उसका जो भी वहाँ पे वो चारा पानी इंतजाम सब वहाँ से होता है। तो गोरक्षा समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, ये तस्वीरें काफी कुछ कहानी वहां की बयां कर रही है, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? जी सर, गौशाला में बहुत ही बुरा हाल है सर, सरकार की तरफ से कोई भी प्रावधान नहीं है जी। कहीं पे भी देख लो, जो दूध वाली गाय है उनके लिए तो फैसिलिटी मिल जाएगी गौशाला में, उनके ऊपर पंखे भी लगे हुए हैं, सारी चीज है, उनकी देख रेख भी है, लेकिन जो दूध देने वाली गाय नहीं है, जिनको हम सफाइयों से छुड़वाते हैं। धर्मेंद्र, आपने सरकार के सामने अपनी बात रखी, ये पक्ष रखा, ये चीज बताई उनको? जी सबको बताई, कोई नहीं सुनता सर जी, कोई नहीं सुनता सर। ये अभी हम मांडे वाला गौशाला में गए थे सर, कल सरकारी गौशाला है, वो सरकार चला रही है, उसमें सिर्फ 3 सांड रखे हुए हैं और वहाँ की व्यवस्था इतनी खराब है सर कि उनकी छतें गिरने वाली हो रही, गेट पे एंट्री करते ही गोबर कूड़ा करकट दारू की बोतलें तक पड़ी, वहाँ पे ड्रिंक की जाती है सर जी, नहीं वहाँ पे कोई देख रेख वाला है। कई बार वहाँ से कसाई दीवार वगैरह तोड़ के गायों को लेके चले गए, जंगल में गौशाला है सर वो, वहाँ पे तो पैसा लगाने का कोई फायदा ही नहीं है सरकार का, सिर्फ कागजों में ही पैसा लग रहा है जी, लेकिन रियलिटी में कोई पैसा नहीं कहीं खर्च हुआ गौशाला के ऊपर। तो धर्मेंद्र, ये तस्वीर दिखाइए सरकार के नुमाइंदों को, ये तस्वीर दिखाइए, उनको बताइए कि गायों की क्या दुर्दशा है, शायद तब कुछ कार्रवाई हो। हर जगह दिखा ली सर, हर रोज न्यूज में भी आ रही है, हर जगह आ रही, लेकिन एक बात बताओ सर, ये जो रोड पे गोवंश फिर रहा जी, अगर इसको स्थायी ठिकाना मिल जाए, इनको किसी गौशाला में या सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया जाए, तो ना ही तो कोई दुर्घटना होगी जी, दुर्घटना का कारण भी बन रही है ना ये जी। और दूसरा सर, अगर ये रोड पे नहीं होंगी तो तस्करी कैसे होगी, तस्कर रोड से उठा के लेके जाते हैं इनको जी, बहुत शुक्रिया, उठाएंगे तो हम